हेलो दोस्तों, मैं हूं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक बिग्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डोमेन को आप कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, डोमेन खरीदने से पहले आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और डोमेन अगर खरीदना है, कौन सा डोमेन खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। बहुत सारे साइट है, जैसे कि गोडडी हो गया है, बिगरॉक हो गए, और भी बहुत सारे साइट्स है, वहाँ से खरीदे या फिर कौन से साइट से खरीदना बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सब अच्छी तरह से पता हो जाए, ठीक है? तो चलिए अभी शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं पहले एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गोडडी को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोडडी को सर्च कर लिया और गोडडी के अंदर इस लिंक को क्लिक करके मैं पहले चले जाती हूँ, और उसके बाद एक नया पेज ओपन करने के ओपन कर लिया मैंने। और उसके बाद इस पर दूसरा एक साइट है जो जिसका नाम बिग रॉक है, उसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। दोनों पेज जो है मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करके, और दोनों पेज में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? दोस्तों देखिए, आप अगर एक डोमेन ख़रीदना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए पहले ये बता देती हूँ, ठीक है? देखिए, डोमेन जो है वो आपको ऐसा एक वर्ड, मतलब कि ऐसा नाम, डोमेन का मतलब जो है एक नाम ही होता है, उसे ही खरीदना होता है, ठीक है? तो डोमेन का नाम ऐसा एक सिंपल वर्ड होना चाहिए, सिंपल, ताकि जो भी आपके व्यूअर हो, जो भी आपके सब्सक्राइबर हो, जैसे कि आप अगर डोमेन खरीद रहे हैं तो सोशल साइट वगैरह भी आप खरीदेंगे, मतलब कि सोशल साइट भी बनाएंगे, तो उसमें जो है सेम नाम होना चाहिए। मतलब कि सेम नाम हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डोमेन से रिलेटेड नाम हो तो उसमें जो है सर्च रिजल्ट में गूगल का SEO भी जो है प्रिफर करेगा पहले। ये सब कुछ मतलब कि एक रैंक होता है, ठीक है? सेम रहेगा तो बहुत अच्छा होगा इससे। तो देखिए, सिंपल होना चाहिए पहली बात, और वर्ड भी जो है छोटा होना चाहिए। जितना छोटा वर्ड होगा वो जो है उतना ही अच्छा होगा। और अगर ऐसा नाम हो जिससे जो है लोगों के मन में वो रह जाए, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे जियो हो गया, जय हिंद हो गया, ये जो है भारतीय के जो इंडिया के लोग हैं वो जो है उनके मन में ये सब कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है? ऐसा नाम जो है आप अगर रखेंगे आपके डोमेन या फिर आपके फेसबुक पेज और जो सोशल साइट वगैरह है वो उसमें रखेंगे तो वो जो है सर्च रिजल्ट में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऐसा नाम जो है सभी के मन में होता है और सभी जो है ये सब आए दिन जो है या फिर बोलते ही रहते हैं ऐसा नाम, ठीक है? तो ये सब कुछ बहुत ही, मतलब कि जो भी नाम आप रखें वो सिंपल रखें और सभी को, मतलब कि सभी के मन में रह जाए ऐसा नाम रखिए, वो अच्छा होता है, ठीक है? तो मैं देखिए, और एक जो है एक्सटेंशन होता है जो कि .com होता है, .in होता है, .org होता है, .net होता है। यहाँ पर देखिए गोडडी के पीछे जो है कॉम लिखा है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए बिग रॉक के पीछे इन लिखा हुआ है, तो इसका जो है एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आप इसको कैसे जो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन लेना चाहिए हमें और कौन सा नहीं। तो देखिए, आप इंडिया में हैं, इंडिया का मतलब होता है .in, यहाँ पर इसीलिए दिया हुआ है इन, और यहाँ पर कॉम जो है कंपनी को बोलते हैं सिंपली, ठीक है? तो इन दोनों में से अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ .in है और यहाँ पर जो है .com है, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? ये दोनों ही अच्छी है। अगर आपको .net भी मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये होता है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए, ठीक है? .in हो गया या फिर .com हो गया, दोनों ही अच्छे हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैं सर्च करके बता देता हूँ जो मैं आज खरीदने वाली हूँ आपके सामने, कैसे खरीदेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। जो है आप अगर नए हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जो है पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्रिएट माई अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाद में जो है आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लॉग इन साइन अप लिखा है, तो इस पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें से आप खरीदें। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैं जो डोमेन खरीदना चाहती हूँ वो डोमेन कौन सी साइट में कम है, ठीक है? तो ये जो है गोडडी, ये USA बेस्ड कंपनी है, बाहर के कंपनी है, तो यहाँ से ये जो है बिग रॉक जो है ये इंडिया के है, तो यहाँ से मैं खरीदना चाहूँगा। तो
दोनों में से देख लेते हैं कौन सा जो साइट है, कौन सा साइट मुझे कम रेट में दे रहा है ये डोमेन। तो मैं पहले सर्च करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं उस डोमेन को लिख दिया जिसका नाम इंडीलैंड है, इस पर मैंने सर्च कर दिया। आप यहाँ पर जो है ये लोड हो रहा है थोड़ा, देखिए यहाँ पर आ गया इंडीलैंड डॉट इन। तो यहाँ पर जो है इसके पीछे आप डॉट कॉम या फिर डॉट नेट जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने सिंपल ही इसे ऐसा ही यू ही मैंने सर्च कर दिया कि कौन सा अवेलेबल है वो आ जाए। तो यहाँ पर देखिए किसी ने डॉट कॉम जो है वो ख़रीद लिया होगा, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंडीलैंड डॉट नेट ये भी फ्री अभी अवेलेबल है, इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है इंडीलैंड डॉट इन या फिर अगर डॉट कॉम है तो वो ख़रीदूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेम नाम मैं यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ इस साइट में, बिग रॉक में। तो यहाँ पर वो नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इंडीलैंड। तो यहाँ पर कॉम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च ऑल भी दे सकते हैं और यहाँ पर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा डोमेन आप मतलब कि मैन्युअली लेना चाहते हैं। यहाँ पर कॉम सिलेक्ट कर सकते हैं और इन सिलेक्ट कर, जैसा कि यहाँ पर मैंने सर्च ऑल की जगह में यहाँ पर डॉट कॉम और डॉट इन में सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और भी आप कोई एक्सटेंशन है जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों में सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर जो है सर्च कर दिया। तो इसको देख लेते हैं गोडेडी पर कौन कौन सा अवेलेबल है। इंडीलैंड डॉट इन है, डॉट नेट है, डॉट ऑर्गन है, इंडीलैंड डॉट इन्फो और इंडीलैंड्स डॉट कॉम। तो ये सारे हैं रिलेटेड जो डोमेन है वो भी आगे है। देखिए इंडीलैंडस डॉट इन ये सब कुछ लाइव, यूके, यूएस, ठीक है। टैक रिलेटेड जो भी डोमेन है देखिए ये 6 लाख रुपए है। देखिए तो बहुत सी डोमेन है यहाँ पर दिखेंगे आपको, जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं अवेलेबल जो होंगे। तो इसको देख लेते हैं बिग रॉक में जो मैंने सर्च किया था उसका डोमेन का रेट कितना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडीलैंड डॉट इन जो है यहाँ पर दिखा रहा है 599 रुपये 2 साल का जो है। यहाँ पर आप अगर 2 साल में ख़रीदेंगे तो 798 रुपये होंगे। इंडीलैंड डॉट नेट 900 रुपये होंगे। इंडीलैंड डॉट ऑनलाइन ये देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा गोडेडी से खरीदिए क्योंकि बिग रॉक से जो है सस्ता होता है गोडेडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडीलैंड डॉट इन जो है वो 149 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। टैक्स वैक्स मिला के करीब 170 रुपये होंगे शायद। तो मैं दिखाती हूँ आपको और भी चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन सा मैं अगर अच्छा है तो लेना चाहता हूँ तो ले सकूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा डोमेन नहीं है। तो चलिए अभी इसको जो है हम इंडीलैंड डॉट इन को ही ख़रीदेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट कॉम तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और बिग रॉक में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं एक बार डॉट कॉम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए डॉट कॉम इज टेकन, मतलब कि कोई इसको ख़रीदा है और इसको ब्रोकरेज मतलब कि इसको जो है एक उसको ऑक्शन में रखा है, इसको अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकर सर्विस फ़ी यहाँ पर है। आप इसको पे करके जो है आप खरीद मतलब कि ऑक्शन में रह सकते हैं कि अगर आपके रेट ज़्यादा होंगे सभी मिलकर, अगर एक ग्रुप होता है सभी उसमें ऑक्शन ऑक्शन में रहता है, आप अगर इसको पे इस ब्रोकर सर्विस को पे करके उसके बाद आप ऑक्शन में रख सकते हैं कितना देना चाहते हैं आप। इसका रेट अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आप ख़रीद सकते हैं, और अगर आपसे ज़्यादा कोई देगा तो वो इस डोमेन को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ख़रीदना नहीं है, मुझे मैं ये इसको नहीं ख़रीदूँगा, इसको मैं छोड़ देती हूँ इसको अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट इन को ही ख़रीदूँगा और वो भी गोडेडी से, क्योंकि यहाँ पर जो है बिग रॉक में जो है बहुत ज़्यादा है इंडीलैंड डॉट इन।
599 रुपये करीब करीब इसको टैक्स वैक्स मिला के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं बिग रॉक से नहीं गोडेडी से ही खरीदूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको सिंपल बात जो है क्रिएट करना सिखा देती हूँ। पहले क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा अकाउंट है मैं उसी से खरीदूँगा। मैं थोड़ा इसको जो है आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे खरीद सक मतलब अकाउंट कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ पर पहले देखिए, आप अकाउंट बनाने से पहले आप फेसबुक, अगर आपका फेसबुक है तो फेसबुक से ही आप लॉगिन करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपका गूगल अकाउंट होगा जो कि सभी का होता है, तो आप गूगल आईडी से भी जो है साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अदर जो है आपके ईमेल आईडी या फिर दूसरा जो आईडी होता है तो उससे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि याहू हो गया और भी माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईमेल डाल दीजिए, आपका ईमेल जो भी है, जीमेल याहू हॉटमेल होता है जो भी डाल दीजिए। उसके बाद यूज़र नेम एक सिलेक्ट कर लीजिए आप, जो कि यहाँ पर आपको रूल दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 से 50 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर रख लीजिए। पासवर्ड रखने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा और वो जो है क्रिएट हो जाएगा आपका अकाउंट। उसके बाद आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और मेरा जो अकाउंट है उससे लॉगिन कर लेता हूँ। पहले साइन इन पर क्लिक किया और जो मेरा यूजर नेम है उसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है अब मेरा वो यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। आप सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए, जैसा मैंने पहले बोला। उसके बाद आप जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप जो है उस डोमेन को खरीद सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है डोमेन को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डोमेन को दिया था उसको जो है, जैसा कि ये वाला डोमेन है इंडीलैंड, उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। देखिए सिंपल है, आप जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसा ही करिए, उससे आप जो है आपका जो जो डोमेन है जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए indiland.in है, तो इसको मैं खरीदूँगा अभी। तो यहाँ पर से इस डोमेन को ऐड टू चार्ट इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया खरीदने के लिए। उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो डोमेन है indiland.in ये जो है आपके चार्ट में चला गया है और इसको कंटिन्यू टू चार्ट करना है, ठीक है। रेट इतना है और इसमें जो है आपको करीब जो है टैक्स को मिला के करीब 70 या फिर 200 रुपये होंगे शायद, देखता हो कितना होता है। तो कंटिन्यू टू चार्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको और भी चीज़ ऐड करने को बोलेगा। यहाँ पर देखिए क्रिएट ईमेल एड्रेस डेट मैच योर डोमेन, तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आप नो थैंक्स दे दीजिए, अभी मैं नहीं लूँगा इसको, आप अगर लेना चाहते ले सकते हैं। इसमें जो है मंथली जो है आपको 29 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो इसे मैं नहीं लेना चाहता, नो थैंक्स कर देता हूँ। इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो अभी अगर डोमेन वगैरह बनाना चाहते हो बाद में भी आप इसको ले सकते हैं और अदर साइट से भी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं नो थैंक्स देना चाहते हो तो नो थैंक्स कर दिया, अभी इसको नो थैंक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कंटिन्यू टू चार्ट, तो इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पेमेंट सिस्टम आ गया अभी, और यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो दिखा रहा है 2 साल का है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको 748 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है 1 साल का कर दीजिए, या फिर आप अगर 2 साल का ही रहना चाहते हैं, रहने देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी रहने दे मतलब कि रख सकते हैं 2 साल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का जो है 700 के करीब होता है, और जो है यहाँ पर 400, 1 साल का जो है 400 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 साल का ही रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 200-300 के करीब मतलब कि लगभग है, तो यहाँ पर 2 साल का ही कर देता हूँ। उसके बाद
यहाँ पर देखिए मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन और भी है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए मैं एडिट कर देता तो ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर नीचे जो है देखिए ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, डेबिट कार्ड वॉलेट UPI ये सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग को सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आपको डोमेन का डिटेल दिखाएंगे कितने परसेंट डिस्काउंट होंगे। ठीक है, 2 साल का लिया मैंने, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन है और 748 रुपये होंगे और टोटल मिला के 842 मतलब कि 900 के करीब है। ठीक है, तो इसको जो है आपको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोडिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा डिटेल्स आ गया है और मैं इसे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ और उसके बाद यहाँ से नेट बैंकिंग को फिर से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से आपका नेट बैंकिंग कौन सा बैंक में है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, आपका जो भी बैंक है यहाँ पर आ जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक टिक मार्क देना होगा आपको, ठीक है, या फिर ना भी दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये लोड होगा और आपके बैंक के साइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो नेट बैंकिंग का आईडी है, लॉगिन पासवर्ड जो होता है, वो आईडी वगैरह है, वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ। लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका सारा डिटेल दिखाएगा, बैंक आपका जो भी है यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर भी होगा, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कितने रुपए कटेंगे ये सब कुछ दिखाई देगा आपको। उसके बाद कंफर्म करना है, यहाँ पर कंफर्म करने के फिर से सब कुछ डिटेल दिखाएगा, आपको कंफर्म करना है ठीक से। उसके बाद आपको जो है कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो है आपको एक पासवर्ड चला जाएगा, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड जो बैंक में नंबर दिया हुआ है वहाँ पर एक मैसेज चला जाएगा और उस पर जो है आपको एक OTP दिखाई देगा। ठीक है, OTP दिखाई देगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए फिर से, यहाँ पर नीचे जो टैब है कंफर्म बटन पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास मैसेज भी आ गया है यहाँ पर बैंक से कि आपके अकाउंट से इतना कट गया है। तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है आपके फिर से अकाउंट पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थैंक यू लिखा आ रहा है कि आपका जो इस ईमेल आईडी से मतलब कि इस अकाउंट से जो है एक डोमेन बाय किया है और मेरे पास ईमेल भी आ गया, देखिए मेरे मोबाइल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ये जो डोमेन है indiland.in ये मेरे अकाउंट पे आया है या नहीं। तो माय प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ देखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर indiland, तो ये जो डोमेन है ये डोमेन जो है मेरे साइट पे मतलब कि मेरे अकाउंट पे जो है आ गया है, देखिए indiland.in, तो ये जो है डोमेन आ गया है अभी, मतलब कि आपका अकाउंट पे ये आ गया है ट्रांसफ़र होके। तो इस तरह से जो है आप डोमेन खरीद सकते हैं। और भी कुछ जानना है पूछना है मेरे से छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।